दलित ने थाने के नल से भरा पानी तो हुई पिटाई। पुलिस वालों ने पानी भरने पर दलित को बुरी तरह पीटा। नीतीश के सुशासन में दलितों की हालत देखिए। आज भी दलितों को पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तमाम तरह के अपमान सहने पड़ रहे हैं। आज महाड़ सत्याग्रह दिवस है, यानी आज ही के दिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को चौदार तालाब से पानी पीकर दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाया था। लेकिन करीब 100 साल बाद भी हालात नहीं बदले। ताजा मामला बिहार से है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आरोप बिहार पुलिस पर ही लगा है। बिहार के वैशाली से खबर सामने आई, जहां आरोप है कि एक दलित किशोर की पुलिसकर्मियों ने सिर्फ इस बात पर पिटाई कर दी क्योंकि उसने थाने के परिसर में लगे नल से पानी भर लिया था। युवक की पिटाई से गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मियों पर ही पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लोगों का आक्रोश बढ़ते देख पुलिसकर्मियों ने किशोर समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया और नगर थाने भेज दिया। TV9 भारतवर्ष की खबर के मुताबिक ये पूरा मामला वैशाली जिले के जडुआ ओपी का है। ओपी परिसर में लगे नल से स्थानीय निवासी उमेश पासवान के 17 साल के बेटे रोहित पासवान ने पानी भर लिया था। रोहित पानी भरकर जाने लगा, इसी दौरान ओपी के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने उसे रोका और अपने पास बुलाया। जब रोहित उनके पास पहुंचा तो धर्मेंद्र कुमार उसे बुरी तरह से पीटने लगा और वही एक कमरे में बंद कर दिया। जब रोहित के परिजनों को मामले की भनक लगी तो वो तुरंत ओपी पहुंचे। आरोप है कि रोहित के परिजन ओपी पहुंचे और ओपी अध्यक्ष धर्मेंद्र से रोहित के बारे में पूछा तो उन्होंने रोहित की मां और बहन के साथ भी बदतमीजी की। रोहित की बहन प्रीति ने कहा कि पुलिस कर्मी उसके भाई रोहित, उसकी मां समेत 4 लोगों को पकड़कर नगर थाना ले गए हैं। स्थानीय महिला मालती देवी ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रोहित पानी भरने गया था तो पुलिस कर्मी कहने लगे कि दलित है, नल क्यों छुआ, और इसके बाद रोहित की पिटाई करने लगे। जब मामले की जानकारी दलित बस्ती तक पहुंची तो बस्ती के कई लोग ओपी पहुंच गए और वहां जाकर हंगामा करने लगे। रोहित और अन्य लोगों को छोड़ने के लिए उन्होंने पुलिस से कहा और जब नहीं छोड़ा गया तो उन्होंने थाने पर पथराव कर दिया। इस पथराव में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। वहीं सदर SDPO ओम प्रकाश ने कहा कि जडुआ में एक साइबर थाना और ओपी स्थापित है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग ओपी परिसर में गंदगी फैला रहे थे, जब मना किया गया तो थाने पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्होंने पानी भरने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस वाले आरोपों को नकार रहे हैं, जबकि पीड़ित कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों ने पानी लेने के कारण रोहित के साथ मारपीट की। इसलिए जरूरी है कि इस मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो ताकि साफ हो सके कि आखिर माजरा क्या है। साथ ही अगर पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम कमजोर वर्गों की मदद करना है, ना कि उनके साथ जातिवाद करना। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखें, वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।